ओप्स सॉरी गाइस, एक्चुअली में ना मेरा कुछ रीजन था, इस वजह से मैं 2 3 सेकंड कुछ लेट हो गया था, तो प्लीज डोंट माइंड। हाँ, हम लोग बाद में कर लेते हैं। ओके, एक वीडियो शूट करना है, ठीक है, इसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ। ओप्स सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए समबडी वाज टॉकिंग टू मी। एक्चुअली गाइस, अभी आपने जो देखा कि कोई मुझसे मिलने आया हुआ था वीडियो शूट के बीच में, और मुझे उनसे अचानक बात करना पड़ा, और जब मैंने आपसे दोबारा बात किया तो मुंह से निकला सॉरी। अक्सर दोस्तों हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, हम सॉरी बोलते हैं, हम खेद प्रकट करते हैं, और होता यह है कि जब आप अक्सर इन वर्ड्स का यूज़ फ्रीक्वेंटली करते हैं तो होता क्या है कि वो अपना चार्म खो देता है, वो अपना अट्रैक्शन खो देता है। उस वर्ड का जो एक मीनिंग है, एक एक जिस पर्पस से आप बोल रहे हैं कि आपने किसी से माफी मांगा, तो अगर आप फ्रीक्वेंटली सॉरी 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 सॉरी, तो होता क्या है कि आपका जो इम्पोर्टेंस है सॉरी का, वो घट जाता है, लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, एफर्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि वी नीड नॉट टू से सॉरी नाउ। अब हमें सॉरी बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, जो कि हम सॉरी के बदले में यूज कर सकते हैं, और जिनका आउटकम जो है, जिसका जो रिजल्ट होगा सामने वाले के ऊपर में, वो काफी अच्छा पड़ेगा। आपका जो एक इंप्रेशन है वो काफी मजेदार होगा, वो काफी अच्छा होगा। तो दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले, मैं हूं विशाल कुमार जायसवाल और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को तो आपको अंत तक देखना ही देखना है, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं कि हाउ टू से सॉरी बट नॉट सॉरी, कुछ और, कुछ अलग। और हम क्या बताएंगे इसमें, आज आपको हम यही बताएंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए, और एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी से कि जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या पुराने जो व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज को एक बार फाइंड आउट कीजिए कि क्या आपने बेल आइकॉन को प्रेस किया है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया, और बेल आइकॉन के अंदर में प्रेस करने के बाद में आपको ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसको प्रेस नहीं किया, तो आपको हमारे किसी भी वीडियोस के अपडेट्स नहीं मिलेंगे, जो कि शायद आपको बहुत अफसोस हो, क्योंकि हम हर बार कुछ ना कुछ नया खास करने की कोशिश करते हैं आप सभी के लिए। तो दोस्तों आज हम देर बिल्कुल नहीं करेंगे, आज का टॉपिक जो हमारा है वो है डोंट से सॉरी, और यू कैन से व्हाट टू से इन प्लेस ऑफ सॉरीज, कि आप सॉरी के बदले में और क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, हम आपको कुछ बताते जाएंगे, और आप उसे सीखते जाइए और यूज करते जाइए, मैं तो कहूंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले जो हम आपको दे रहे हैं सॉरी के, देखिए सॉरी का मतलब क्या होता है। आप सॉरी बोलना चाहते हैं कि आपने कोई गलती की और आपको उस चीज का फील भी हो गया कि आपने मिस्टेक किया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। फर्स्ट जो आपका है वो आपका है माई मिस्टेक, ठीक है, ये है आपका सबसे पहले। माई मिस्टेक मतलब आपने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही आपने फाइंड आउट किया कि आपसे गलती हुई है या कहीं पर कुछ फॉल्ट हो गया, तो आपने पहले ही कह दिया माई मिस्टेक। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, सपोज कुछ गलती हुआ, आपने तुरंत कहा उप्स माई मिस्टेक। जैसे ही आप ये कहेंगे, सामने वाला आदमी इस चीज को पकड़ लेगा कि आपने अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। या आप कह सकते हैं ओ इट वॉज माई मिस्टेक सॉरी, मतलब आपने पहले ही उस चीज को फील कर लिया, तो आपने सामने वाले के लिए कुछ छोड़ा नहीं, आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया। अब मान लीजिए आप लास्ट नाइट किसी पार्टी में गए थे और वहां कुछ हुआ, तो आपने मतलब आपने फील नहीं किया था कि आपसे बाय मिस्टेक कोई गलती हो गया, तो आप कैसे कहेंगे रियली इट्स हैपेंड लास्ट नाइट माय मिस्टेक। कोई गलती होती है और आप उसे पकड़ लेते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई ओन द मिस्टेक, आई ओन द मिस्टेक, मतलब मैं इस गलती की जिम्मेदारी लेता हूं, जो फॉल्ट हुआ उसको मैंने पहले एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको सॉरी नहीं कहना पड़ा, सिर्फ उसका वे जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अक्सर हम जब सॉरी बोलते हैं तो सॉरी के बदले में हम कह सकते हैं माय अपोलॉजीज, ठीक है, माय अपोलॉजीज। अब इसका यूज कैसे होगा, कॉमनली जो इसका यूज होता है, माय अपोलॉजीज का जो यूज होता है वो होता है कि आप किसी फॉर्मल वे में इसका यूज होता है, किसी इन्विटेशन को आप डिक्लाइन कर रहे हैं, मना कर रहे हैं,
कोई चीज़ को आप ठुकरा रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आप उस जगह सिंपल वे में आप यूज कर सकते हैं माय अपोलॉजीज, ठीक है, माय अपोलॉजीज। अब कैसे आप उसको सेंटेंस में यूज करेंगे, वो कहीं जाना था, आप बिजी थे, आप नहीं जा पाए, आप कहते हैं आई सिंसियरली अपोलॉजाइज, आपने माफी मांग लिया, या आप कहते हैं प्लीज एक्सेप्ट माय अपोलॉजीज, मेरे माफी को स्वीकार कीजिए। इससे बेहतरीन तरीका गाइज और क्या हो सकता है, सिर्फ सॉरी कहना ही वर्ड है तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि हमने सॉरी ही कहना है तभी हमारे गलती को एक्सेप्ट कोई करेगा। वे ऑफ जो सेइंग है, कहने का जो तरीका, हम उसे चेंज कर रहे हैं। आपके फ्रेंड ने आपको डिनर पार्टी में बुलाया, किसी वजह से आप नहीं जा पाए, तो आप कह सकते हैं प्लीज कन्वे माय अपोलॉजीज टू योर वाइफ, ठीक है, अपने वाइफ तक मेरे अपोलॉजीज को पहुंचाइए, आपने अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट किया। या आप कहते हैं कि गाइज मिस्टेक हो गया, तो जो मिस्टेक हुआ तो उसके उसके ऑन बिहाफ, उसके आप बदले में आप क्या कहेंगे, प्लीज अलाउ मी टू प्रेजेंट माय अपोलॉजीज, प्लीज अलाउ मी टू प्रेजेंट माय अपोलॉजीज, कृपया मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने माफी को आप तक पहुंचा सकूं। सॉरी बोल करके हम एक वर्ड में हम निकल जाते हैं, लेकिन गौर कीजिए गाइज, अगर आप कहते हैं सामने वाले को कि आप प्लीज अलाउ मी, मुझे आप अनुमति दीजिए कि मैं अपने अपोलॉजीज को माफी मांग सकूं, तो इससे बेहतरीन और क्या होगा। सामने वाला अगर आपसे नाखुश भी है तो वो यूं मान जाएगा, आपको किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाना था, आप नहीं जा सके, आपने अपने फैमिली में एक मेंबर को किसी को भेज दिया, लेकिन सामने वाला तो आपको चाह रहा था। आप कहते हैं आई गिव माई अपोलॉजीज फॉर नॉट बींग प्रेजेंट बाई माई सेल्फ। गाइज थर्ड नंबर पे हम आपको दे रहे हैं आई बेग योर पार्डन, आपने कई बार यूज भी शायद किया होगा, आप कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन, पार्डन, पार्डन प्लीज, ये तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेमवर्क जो बड़ा है वो है आई बेग योर पार्डन, और उसी से बना है पार्डन या पार्डन प्लीज, ठीक है। तो इसको आप कहाँ यूज करते हैं, सिंपल वे में आप कह सकते हैं, जहां आप सॉरी का यूज करते थे वहां सिंपल वे में कहीं भी आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, गलती से किसी जगह पर होता है ऐसा, आप कहीं रूड हो गए तो आप कहते हैं आई वॉज इम्पोलाइट एंड आई डू बेग योर पार्डन। आप किसी से किसी बात में सहमत नहीं है, लेकिन डायरेक्टली कहना कि यार सॉरी यार मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, थोड़ा सा मैनरफुल नहीं लगेगा। आप कैसे कह सकते हैं, आप कहेंगे आई बेग योर पार्डन बट वॉट यू से इज नॉट करेक्ट। देखिए दोस्तों, कहने का भी अपना एक तरीका होता है, आप हर बात को रख सकते हैं लेकिन उसे सलीके से रखिएगा, तरीके से रखिएगा, तो वो ज्यादा लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए आपने कहा कि आपने पहले माफी मांगा कि यार माफ करो लेकिन जो आप कह रहे हो वो गलत है या पूरी तरह से सही नहीं है। कहीं कोई लेक्चर चल रहा है, क्लास चल रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, आप नहीं सुन पाए, आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई बेग योर पार्डन बट आई डिडंट हियर यू व्हाट यू से। आप कहीं पर हैं, कहीं पर जा रहे हैं और आपको कहीं का पता पूछना है, आप अक्सर हिंदी में बोलते हैं माफ कीजिए क्या आप मुझे उस चीज का पता बता सकते हैं, इसी चीज को आप कैसे बोलेंगे आई बेग योर पार्डन बट कैन यू टेल मी वेयर इज दिस स्ट्रीट, राइट। आपने बहुत ही सलीके से पूछा तो सामने वाला कितना भी बिजी होगा आपको एक आंसर तो जरूर करेगा, आई बेग योर पार्डन मे आई नो योर नेम प्लीज, माफ कीजिएगा मगर मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ। दोस्तों इससे बेहतरीन तरीका आप अभी सुन रहे हैं तो फील कर रहे होंगे, क्या हो सकता है कि अगला आदमी आपको प्यार से अपना नाम खुद बताए। डायरेक्टली अगर आप किसे पूछते हैं मे आई नो योर नेम, रूड लग रहा है बट ये रूड नहीं लग रहा है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है सॉरी के लिए एक्सक्यूज मी, अक्सर आपने इसे यूज किया है। एक्सक्यूज मी का ज्यादातर जो यूज होता है वो पोलाइट इंटरवेंशन होता है किसी कॉन्वर्सेशन के बीच में, किसी कॉन्वर्सेशन के बीच में आप इंटरप्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली इंटरप्ट करना अच्छा नहीं लगता है, आप उस जगह कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। अब एक्सक्यूज मी का आप कैसे यूज करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आपने किसी को पूछा एक्सक्यूज मी इज दिस योर सीट, क्या ये आपका सीट है, माफ कीजिए आप सुन नहीं पाए थे, आपने बोला एक्सक्यूज मी व्हाट डिड यू से। देखिए दोस्तों बॉडी गेस्चर और आपका जो सेंटेंस है वो दोनों मैच करना चाहिए, ओनली देन आपका जब पर्सनालिटी है वो निखर के आता है, राइट। एक्सक्यूज मी आई हेल्प यू,
क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आपको कहीं पहुंचना था, आप डिले हो गए, लेट हो गए। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट या फॉर अराइविंग लेट। एक्चुअली द बस वॉज लेट। आपने रीजन भी बताया, लेकिन आपने एक बेहतरीन ढंग से आपने अपने बात को कन्वे किया सामने वाले पर्सन की तरफ, राइट? अब हम आपको देते हैं सॉरी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड जो कि आजकल छाया हुआ है। इसे स्लैंग वर्ड कहा जा सकता है, इंटरनेट की दुनिया में बहुत फेमस है। हम बताते हैं वो क्या है। वो है माय बैड। अब माय बैड सुनने से लगता है मेरा बुरा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो कि आप क्लेम करने के लिए होता है, जिम्मेदारी लेने के लिए होता है, जो कि आपने कोई गलती कमिट कर दिया, जो मिस्टेक आपसे हो गई उसको आप क्लेम करते हैं कि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एक स्लैंग एक्सप्रेशन है। ये आप यूज करेंगे वहां जहां कैजुअल लोग हो, आपके फ्रेंड्स हो, वहां पर ही आप इसे यूज करें तो बेटर है। कहीं गलती से आपका सामने वाले किसी बाइक से या कहीं पर आपका थोड़ा सा टक्कर हो गया, आप कह सकते हैं माई बैड। माई बैड कहने का मतलब ये हुआ, आपने सामने वाले को जता दिया कि आपसे जो गलती हुई आपने उसे एक्नॉलेज कर लिया है, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और आपने खेद भी जता दिया। आई लॉस्ट द बुक यू लेंट मी, माई बैड। आई विल बाय यू अ रिप्लेसमेंट। आपने जो मुझे बुक दिया था मैंने खो दिया, सॉरी, लेकिन मैं आपको उसका रिप्लेसमेंट दे दूंगा। देखिए कितने तरीके से आपने सही तरीके से अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी भी बोल दिया और बात भी खत्म कर दिया। आप कहते हैं उप्स माई बैड आई फॉरगॉट टू कम। आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि आपसे गलती हुई, आप आना कहीं पर भूल गए, कहीं आपको जाना था, आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि आप आना भूल गए। ठीक है दोस्तों, तो माई बैड को आप बहुत ही अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं। सिर्फ दो वर्ड का ये एक सेंटेंस है, छोटा सा वर्ड आप बहुत अच्छी जगह यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के बीच में भी और सेंटेंस के बिना भी। नेक्स्ट हम आपको दे रहे हैं उप्स, वुप्स। ये है आपका रिप्लेसमेंट फॉर सॉरी। दोस्तों उप्स या वुप्स, ये दो जो एक्सप्रेशंस हैं, ये हम कहां यूज कर सकते हैं? माइल्ड एरर्स के लिए या सोशल ब्लंडर्स के लिए। आपसे छोटी कहीं गलती हो जाती है या कहीं सोशल वे में आपसे कहीं मिस्टेक हो जाता है तो आपके मुंह से निकल सकता है उप्स। आप किसी से ग्लास ले रहे थे, ग्लास ऑफ वाटर, और गलती से वो गिर गया, आप कहते हैं उप्स सॉरी। कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, आप कुछ टाइप कर रहे थे, गलती से कुछ वर्ड्स ज्यादा टाइप हो गए, आप कहते हैं उप्स आई हैव टाइप्ड टू लेटर्स बाय मिस्टेक। उप्स आई नियरली dropped my cup of tea. Oops, I spelt that wrong. मैंने गलत spelt कर दिया. Whoops, that was a mistake. आपने mistake को accept किया. आपने कहा हो गया यार. Whoops, sorry. Did I hurt your hand? गलती से आपके हाथ से किसी दूसरे के हाथ को चोट लगा, ठोकर लग गया. अक्सर आप बोलते हैं इस चीज को कि क्या मैंने आपको चोट पहुंचा दिया. Whoops, I broke your coffee mug. यार सामने वाला पक्का बोलेगा इट्स ओके यार, एक कॉफी मग तो था, लेकिन आपने अपने जो गलती था उसको आपने एक्सेप्ट किया, आपने अपना खेद को प्रकट किया और सामने वाले ने उसे हाथों हाथ लिया। दोस्तों सॉरी कहना एक 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 मिनिमम एटिकेट है, मैनर है कि आपने जो गलती की उसे उसको आप एक्सेप्ट करें हाथों हाथ। लेकिन ये चीज़ जब हम बार बार करते हैं तो होता क्या है कि जो उसका इम्पोर्टेंस है वो घट जाता है, और फिर आई एम सॉरी या सॉरी बार बार कहना ये एक रूटीन जॉब बन जाता है। तो दोस्तों इन चीज़ों से बचने के लिए हमने आपको काफ़ी कुछ दिए। अब इसके अलावा हम कुछ नॉर्मल कुछ ऐसे सेंटेंसेस दे रहे हैं जो कि इन जो हमने मेन मेन दिए इनसे बाहर है, लेकिन आप उनका बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई शुडंट हैव डन दैट, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मतलब इन अदर वर्ड्स आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। क्या आपने एक्सेप्ट किया तब तो आपने कहा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आई शुडंट हैव डन दैट, या फिर आई वॉज इन द रॉन्ग वे, मैं गलत रास्ते पे था। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। काफी है दोस्तों, आप पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। इट मीन्स आपने जिम्मेदारी कब लिया? जब आपने अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट किया था तो आपने जिम्मेदारी लिया,
नाइस वर्क, आई एम एम्बैरस्ड अबाउट दैट. आप शर्मिंदा हैं, इससे बढ़कर और क्या होगा कि आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि यू आर अशेम्ड ऑफ एनीथिंग. आप आई एम एम्बैरस्ड बोल सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं आई एम अशेम्ड ऑफ माई डीड्स, मैं अपने कामों के लिए शर्मिंदा हूँ. इट मीन्स यू फील सॉरी फॉर दैट. आप किसी जगह चाहते या ना चाहते हुए आप थोड़ा रूड हो गए थे, इम्पोलाइट हो गए थे, तो आपने बहुत ही सही तरीके से आपने एक्सेप्ट किया आई एम अशेम्ड ऑफ माई बिहेवियर, सॉरी यार. ना सिर्फ आपने कन्वे कर दिया सॉरी, बल्कि सामने वाले से आपका जो रिलेशन था वो और बिल्डअप हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा. आपका जो एक बॉन्डेशन था वो और बढ़ करके निकलेगा. देन दोस्तों, यू कैन से इट्स अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. मतलब जो कुछ भी हुआ आप उस पर खेद व्यक्त कर रहे हैं, दैट इट्स अनफॉर्चुनेट, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ. और हाउ सैड, आप खुद से शर्मिंदा हैं, आप खुद से उदास हैं कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ. तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, बहुत सारे एक्सप्रेशंस जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं, करना चाहिए. जहाँ पर भी आप रूड होते हैं, इम्पोलाइट होते हैं, कहीं आपका कोई फॉल्ट होता है, तो दोस्तों हम उन चीज़ों को लौटा तो नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हम एक चीज़ कर सकते हैं, और वो है कि आप अपने जो भी गलती हुई उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. आप अपने जो आपके दिल से जो अंदर से जो एक अफसोस की झलक है वो आप उसे कन्वे कर सकते हैं सामने वाले के लिए, ताकि वो उसे एक्सेप्ट करे और आपके साथ में रिलेशन जो है वो बिल्डअप होते रहे. उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा. वैसे हमने आपके लिए कुछ और काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ वीडियोस डाले थे, जैसे कि टॉप 20 फॉरेन वर्ड्स यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज, आप उसे देख सकते हैं. इंटरव्यू वोकैबुलरी, आप उसे भी देख सकते हैं. दोस्तों, आप और हम जब मिलेंगे तो कुछ नया निकलेगा, और हम आपको कुछ नई चीज़ें सिखाते रहेंगे. उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत 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 पसंद आया. दोस्तों, तो वेट नहीं कीजिए, इंतज़ार नहीं कीजिए, और कंजूसी तो बिल्कुल नहीं कीजिए. एक लाइक बनता है, ज़रूर दीजिए. अगर आपको वीडियो पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हमें कमेंट्स कीजिए, हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक में, लेकिन तब तक के लिए फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि मैंने देखा है सब्सक्राइब बटन तो बहुत लोग क्लिक करते हैं, लेकिन बेल आइकॉन करना भूल जाते हैं प्रेस करना, उसे कीजिए. और साथ ही साथ बेल आइकॉन के अंदर में ऑल नोटिफिकेशन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे जो जितने भी न्यू वीडियोस हैं उसके अपडेट्स मिलें, और आप हमारे सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं बने, एक्टिव सब्सक्राइबर बने, एक्टिव मेंबर बने. मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में, मेरे साथ आपके होस्ट विशाल कुमार जायसवाल के साथ. जय हिंद, जय भारत.